38A शीट में बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहला, दो बॉल्स हैं 5 और 3 kg, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है 5 और 3, इलास्टिक कोलिजन है। कोलिजन के बाद वेलोसिटी निकाल दो, कुछ भी नहीं करना, आपको U1, U2, M1, M2 पता है, इलास्टिक कोलिजन है, V1, V2 के फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा, डन। उसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड में दो बॉल्स हैं 10 और 20 kg की, लेकिन मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। बस ये याद रखना, M1 10 है, M2 20 है, U1 20, U2 -10 है। तो V1 V2 निकालना है, V1 V2 में वैल्यूज में U2 को -10 ही पुट करना, आंसर आ जाएगा। आ गया था ये आंसर, सही है, समझ में आ रहा है क्या करना है। तीसरे क्वेश्चन में टू बॉल बेयरिंग्स ऑफ मास M मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, आइडेंटिकल बॉल्स हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, और अगर ये इलास्टिक कोलिजन इन 1D है तो क्या शॉर्टकट करवाया था कि जब इनकी टक्कर होती है तो वेलोसिटीज टक्कर के बाद इंटरचेंज हो जाती हैं, क्योंकि मास आइडेंटिकल है, तो ये वेलोसिटी इसे दे देना और ये वेलोसिटी इसे दे देना, वेलोसिटीज एक्सचेंज हो गई, सही है यहाँ तक। ऐसा सिर्फ इलास्टिक कोलिजन इन 1D में लग सकता है और कहीं नहीं लग सकता, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट है, रेलवे कैरेज है 9000 किलो का, 36 किलोमीटर पर आर से मूव कर रहा है, और एक और रेलवे कैरेज है 9000 किलो का लाइंग एट रेस्ट, ये रेलवे कैरेज इसे टक्कर मारेगा और उसके बाद वो क्या करेगा, दे गेट कपल्ड, कपल्ड का मतलब स्टिक, जुड़ गए, एक हो गए। जब वो एक हो गए तो कॉमन वेलोसिटी बताओ क्या होगी, तो और ये कौन सी कोलिजन है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। मोमेंटम कंजर्व कर देना, टक्कर से पहले मोमेंटम पता है, दिस इन टू दिस, और इसका जीरो, टक्कर के बाद टोटल मास 9000 18000 हो गया, 18000 इंटू VC, इक्वेट करके VC की वैल्यू आ जाएगी टन। तो ये पॉइंट भी क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट है, फिर परसेंटेज की प्रॉब्लम है, कर ली हमने, एक मास 9 times है तो K को 9 पुट कर लेना आंसर, एक मास 1/9 times है, 1/9 पुट कर देना, परसेंटेज की वैल्यू आएगी। क्या हुआ है हमने क्वेश्चन परसेंटेज वाला, इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि इसका करना क्या है, थक हार के फिर मैंने पहले सेकंड पार्ट किया, तो मैं पहले सेकंड पार्ट, तभी अपने पहले पार्ट नंबर 2 किया, फिर पार्ट नंबर 1 सोचा क्या करना है, 3-4 बार पढ़ा नहीं समझ में आया, बताता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम थी, क्यों समझ में नहीं आया और फिर मैंने इसको कैसे हैंडल किया। मैंने यहाँ से रिलेशन निकाला कि कुछ तो है जो आपस में लेना देना है, तभी और क्वेश्चन है। तो पहले इसे करते हैं, एक बॉल है जिसका मास बड़ा बड़ा एम है और ये किस पे पड़ी हुई है, एट रेस्ट, इज स्टक बाय मूविंग बॉडी ऑफ मास एम, तो इसको किसने टक्कर मारी, छोटे मास एम ने टक्कर मारी, आपको ये बताना है। आपको प्रूव करना है कितना फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हो गया, ये वही क्वेश्चन है फ्रैक्शन एनर्जी ट्रांसफर का, पर मैंने ये सोचा कि मैं शॉर्टकट लगा दूं के वाला, 4K/1+K का होल स्क्वायर, पर मैं लगा नहीं पाया क्योंकि यहाँ छोटा m है या बड़ा m है। अगर यहाँ पे गिवन होता कि ये मास 4 times छोटा m है तो K 4 पुट करके मेरा आंसर आ जाता, तो मैं लगा ना पाया इसमें वो शॉर्टकट, तो मुझे अल्टीमेटली फिर से प्रूफ ही करना पड़ा कि टक्कर के बाद वेलोसिटी V1 V2 है तो कितना फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हो गया। पहले बताओ कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई, इसके पास तो कोई एनर्जी थी नहीं, अब कितनी हो गई, ½ m v2 square, तो ½ m v2 square एनर्जी ट्रांसफर हो गई, डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल एनर्जी में इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी, ये तो 0 है, इसकी एनर्जी कितनी है, ½ m u का square। अब V2 का बड़ा सा फॉर्मूला यूज़ किया, U2 को उसमें 0 पुट किया, M1 को छोटा m पुट किया, M2 को बड़ा m पुट किया, सॉल्व करके ये V2 आ गया। इस V2 को, इसको वापस यहाँ लिखा, सेम चीज़ है ये, इस V2 को यहाँ से यहाँ पुट किया, स्क्वेयरिंग किया, U² से U² को कट किया, जो प्रूव करना है आंसर आया। ये मुझे प्रूव करना था फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड, तो मैंने एक्चुअल प्रूव किया और फ्रैक्शन एनर्जी ट्रांसफर्ड की वैल्यू मैंने निकाल ली। कितने लोगों का हो गया था ये, हो गया था, तो एक्चुअल से करना पड़ा, शॉर्टकट इसमें नहीं चलेगा। तो ये तो पार्ट चलो खत्म हो गया, क्योंकि इसके अंदर मेरे पास और कोई तरीका ही नहीं है, शॉर्टकट चल ना पाया, तो मैंने एक्चुअल मेथड से इसको सॉल्व कर दिया, ठीक, डन हो गया, पार्ट नंबर 2 तो ओके है।
पार्ट नंबर वन की कहानी देखो क्या है, स्लोइंग डाउन ऑफ न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर, अ न्यूट्रॉन ऑफ हाई स्पीड 107 मीटर पर सेकेंड मस्ट बी स्लोड डाउन टू 103 मीटर पर सेकेंड। कह रहे जी कोई ना न्यूक्लियर रिएक्टर चल रहा है, उस रिएक्टर में फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स हैं जो न्यूक्लियर फिजन को यूरेनियम के ऊपर गिरते हैं जिससे न्यूक्लियर रिएक्शन बहुत तेज़ हो जाता है, उसको स्लो डाउन करना पड़ेगा नहीं तो रिएक्टर फट सकता है, तो स्लो डाउन करके रिएक्शन कंट्रोल हो जाएगा, तो उसकी स्पीड न्यूट्रॉन की 107 से 103 करनी ज़रूरी है सो दैट इट कैन हैव अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरेक्टिंग विद आइसोटोप ऑफ यूरेनियम। तो यूरेनियम के साथ ठीक इंटरेक्शन हो जाती है स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स की और फिजन का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। मैं अपना न्यूमेरिकल इसी में ढूंढता रहा कि शायद न्यूट्रॉन और यूरेनियम की टक्कर हुई है, पक्की बात है कहीं ना कहीं यूरेनियम और न्यूट्रॉन की प्रॉब्लम है, तो मेरे को लगा कि शायद न्यूट्रॉन और यूरेनियम की टक्कर हो रही है। फिर मैंने आगे पढ़ा, शो दैट न्यूट्रॉन कैन लूज मोस्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। वो कह रहे हैं प्रूव करो न्यूट्रॉन बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी खराब कर बैठेगा इन इलास्टिक कोलिजन में विद लाइट न्यूक्लियस लाइक ड्यूटेरियम या कार्बन। तो इन एलिमेंट के साथ जब न्यूट्रॉन की टक्कर होती है, प्रूव करो कि न्यूट्रॉन बहुत एनर्जी जो है वो लूज कर जाता है। तो मुझे ये समझ में आया ना अगली स्टेटमेंट काम की है ना पिछली स्टेटमेंट काम की है, जो लाल रंग में अंडरलाइन कर रखी है बस यही काम की है। एक खुद ही एग्जाम्पल लेने को बोल रहा है, एग्जाम्पल खुद एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि तुम एक न्यूट्रॉन लो जिसका मास m है, मान लो दूसरा एलिमेंट कार्बन ले लो, कार्बन का 12 मास होता है तो 12m हो जाएगा इसका, तो एटॉमिक मास नंबर 12 है तो 12m इसका न्यूक्लियॉन्स का मास है। तुम इसकी जब टक्कर करवाओगे तो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र कितनी होएगी, फॉर्मूला लगा दें शॉर्टकट, और शॉर्टकट में के को क्या पुट करेंगे 12, तो जब मैं ये वैल्यू पुट करूंगा 100 से मल्टीप्लाई करूंगा आंसर आएगा 28.4। अपने मन से एग्जांपल लेना है और फिर ये बोलना है देखा 28% एनर्जी न्यूट्रॉन ने ट्रांसफ़र कर दी जो बड़ी अमाउंट है, ख़त्म क्वेश्चन। ऐसी हाइपोथेटिकल केस लेके एग्जांपल लेने को कह रहा है, खुद ही एग्जांपल ले लो न्यूट्रॉन का कार्बन के साथ टक्कर मारने का और खुद ही प्रूव कर दो किसी भी एग्जांपल के साथ कि काफ़ी एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी, बात ख़त्म हो गई। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी आया नहीं है बट मेरी असाइनमेंट में है तो मुझे करना पड़ेगा, तो फिर मैंने ये कर दिया। ठीक है, तो आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या कह रहा है, पर एक बात तो पक्की है, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ इलास्टिक कोलिजन के अंदर अगर कोई भी टीचर आंख बंद करके ऐसी उठा के 4 क्वेश्चन पेपर में डाल दे, उनमें से 2 क्वेश्चन एनर्जी ट्रांसफ़र के पक्का मिलने वाले हैं। हर चौथा क्वेश्चन तो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र पे चले, मैंने आपको कहा था ना ये फॉर्मूला बड़ा काम का है क्योंकि फ्रैक्शन एनर्जी ट्रांसफ़र के बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं और ये इस फॉर्मूले से बहुत सही सॉल्व हो जाते हैं। आधी असाइनमेंट तो इसी से सवाल के रखी हुई है कि नहीं, तो समझ में आ रहा है ये कि फ्रैक्शन एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे होगी। जैसे ये तो हुआ है, बॉल को 2 मीटर से घेरा, रेस्टिट्यूशन पता है सेकेंड हाइट क्या होगी e²h, ये तो हमने लास्ट टाइम किया था। ये क्वेश्चन बॉल को 3.6 मीटर से घेरा, टक्कर खाने के बाद बॉल कितने मीटर पे आई 1.6 रेस्टिट्यूशन बताओ, तो एक हाइट आपको h पता है, एक h डैश पता है और हमें ये फॉर्मूला पता है, h डैश और h को पुट करके e निकाल लेना आंसर। ठीक है, तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है, हाइट रेस्टिट्यूशन का एग्जांपल तो आपको आता है और इसके अंदर वो कह रहा है एक बॉल को एच हाइट से घेरा, ये 2n आएगा, तो nth रीबाउंड के बाद उसकी हाइट क्या होगी, हर बार e² से मल्टीप्लाई करके हमने क्लास में किया था e^2n(h) हो जाता है फॉर्मूला, ये हमने किया था। इसके बाद ये हमने क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है इन इलास्टिक कोलिजन का, आपको याद होगा ऐसी वेलोसिटीज लास्ट टाइम आई थी और रेशियो भी निकाली थी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी किया था सेम है। ये 2D का कोलिजन का क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर में करेंगे जब अभी हम 10 मिनट में 2D करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मुझे करवाना है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसका कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को एक बार देखें, कितनों का हो गया ये क्वेश्चन, नहीं
हाँ देखने में इरिटेटिंग है थोड़ा सा, मुझे लगा शायद मेरे को ही लगता है, तुम्हें भी ये लगता है, ठीक है, बट क्योंकि मेरे को करना पड़ेगा, मेरा तो काम है और मुझे इसको आसान करके भी बताना पड़ेगा, मेरा ये भी दूसरा काम है। देखो सबसे पहले न्यूक्लियस है, रेडियम नाम का न्यूक्लियस है और वो डीके हो गया। एक बात को समझ लें, मुझे पता नहीं केमिस्ट्री में कितना आपने किया, डीके होने का मतलब समझते हो? नहीं। एक न्यूक्लियस का टूट जाना और एक नए न्यूक्लियस का निकलना, यूरेनियम है बड़ा न्यूक्लियस है, फिजन हुआ, रिएक्शन हो जाता है और दो नए न्यूक्लियस निकल गए, इसे रेडियो एक्टिविटी भी बोलते हैं और इसको डीके भी बोलते हैं, टूट जाना, डीके होना, ठीक है। तो एक एलिमेंट है रेडियम और ये टूट गया, पड़ा था, अनस्टेबल होगा केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, ये अनस्टेबल है और वो टूट गया और टूट के एक नया एलिमेंट निकला आरएन, ठीक है। एक न्यूक्लियस से दूसरा एलिमेंट निकलाया, एक नया न्यूक्लियस निकलाया बाय एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये टाइप के क्वेश्चन प्लस टू का आखिरी पार्ट है मॉडर्न फिजिक्स हम पढ़ाते हैं, ये उसके मॉडर्न फिजिक्स में यही है, यही होता है एग्जैक्टली। तुम सारी केमिस्ट्री पढ़ाते हो तो फिजिक्स के अकॉर्डिंगली वो न्यूक्लियस की वेलोसिटी क्या होगी जब वो टूटेगा, ये क्वेश्चन मॉडर्न मॉडर्न्स के अंदर आते हैं, पर उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर फंस गया है। तो ऐसा ना सोचें कि ये आज इस लेवल के क्वेश्चन होंगे, नहीं होंगे, हाँ आइडिया दे के छोड़ दूंगा आपको, ये क्वेश्चन करवा दूंगा, लेकिन ये सारे टाइप के क्वेश्चन प्लस टू के सिलेबस में मेंशन किए गए हैं। तो एक न्यूक्लियस बड़ा था, रेस्ट पे पड़ा था और वो टूट गया आरएन में और साथ में क्या निकला, अल्फा पार्टिकल, इसके दो टुकड़े हो गए। आगे अब वो कह रहे हैं कि जो अल्फा पार्टिकल निकला उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो 4.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, गिवन है, लिख लिया। अगर मास ऑफ आरएन, इसका मास पता है 222 amu, हीलियम और अल्फा पार्टिकल एक ही बात होता है, तो हीलियम अल्फा पार्टिकल एक ही बात है, तो इसका मास भी आपको पता है, आपको रिकॉइल एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस निकालना है आरएन, आरएन की एनर्जी निकालनी है क्या है। देखो लॉजिक समझो, अगर आपको ये चीज़ कम समझ में आती है तो आपको ये बात जल्दी समझ में आएगी, बॉम्ब एक्सप्लोजन इन टू पार्ट्स हमने फोर्थ चैप्टर में की थी। अगर आपके पास एक बॉम्ब पड़ा हो और उसके दो टुकड़े हो जाएं, तो एक टुकड़ा अगर इधर जाएगा तो दूसरा गारंटेड इधर ही जाएगा, टू कंजर्व दी मोमेंटम, ऐसा हमने किया। तो बॉम्ब एक्सप्लोजन के अंदर हम क्या किया करते थे कि अगर ये बॉम्ब पड़ा हुआ है तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है, जीरो, एक टुकड़ा इधर चला गया m1 v1, तो दूसरे को इसके ऑपोजिट ही जाना पड़ेगा ताकि नेट मोमेंटम क्या हो जाए, जीरो। ऐसे किया था, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, ये बॉम्ब एक्सप्लोजन ही हुआ है, बस बॉम्ब की जगह न्यूक्लियस एक्सप्लोजन बोल दो। न्यूक्लियस टूट गया दो हिस्सों में, तो एक हिस्सा जो आरएन न्यूक्लियस है वो इधर गया, तो अल्फा पार्टिकल कहाँ गया होगा, इधर गया होगा, टू कंजर्व दी मोमेंटम। तो इसलिए आपने नोट किया, उसने क्वेश्चन में बोला रिकॉइल एनर्जी, रिकॉइल का मतलब अल्फा पार्टिकल अगर राइट गया तो डॉटर न्यूक्लियस आरएन लेफ्ट गया, सही है। तो ये बॉम्ब एक्सप्लोजन का केस है जिसमें मोमेंटम कांस्टेंट है, तो एक काम करते हैं इसमें यही लगाते हैं, ये देखो न्यूक्लियस जो रेडियम पड़ा था उसका नेट मोमेंटम क्या था, फटने से पहले जीरो, फिर वो टूट गया, जब वो टूटा तो उसका मोमेंटम कितना है, मोमेंटम ऑफ आरएन और अल्फा पार्टिकल का अल्फा, लेकिन दोनों आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन ताकि नेट मोमेंटम वापस में क्या आ जाए, जीरो, तभी तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना जरूरी है, इसका मतलब दोनों का मोमेंटम बराबर है, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। ये स्टेप क्लियर है, आर एन पार्टिकल का अल्फा पार्टिकल ऑपोजिट डायरेक्शन है, मोमेंटम सेम। अब मैंने आपको वर्क पर एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताया था p² / 2m, तो p का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ 2m के, तो तुम यहाँ पर पुट कर दो अंडर रूट ऑफ 2m के, अंडर रूट ऑफ 2m के, ये मास ऑफ आरएन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ आरएन है, ये मास ऑफ अल्फा, काइनेटिक ऑफ अल्फा, स्क्वेयरिंग कर दो तो ये टर्म आ गई, स्क्वेयरिंग करके आरएन का मास आपको 222 एएमयू पता है, आपको अल्फा का मास 4.003 पता है, आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पता है 4.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ आरएन पता लग जाएगी आंसर,
ये इसका मेथड है। आई होप इतना मुश्किल नहीं अभी है, ठीक है। तो कभी भी कोई भी न्यूक्लियस टूटे, और ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल ही निकलते हैं, तो उसमें एम वन वी वन एम टू वी टू का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है इसमें? हाँ, एक बार करने में थोड़ा ट्रिकी है। जहाँ तक मैं इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंस देता हूँ, एनसीईआरटी में मैं कह नहीं सकता, देखो है तो ये शीट बेसिक से ही आई हुई, डाल आ भी सकता, मैं कह नहीं सकता, पर आपको कॉम्पिटिशन के अंदर इसके श्योर शॉर्ट क्वेश्चन दिखेंगे ही दिखेंगे 100%। वर्क बाय एनर्जी में नहीं दिखेंगे, कोलिजन में पीवाईक्यू की बुक में नहीं दिखेंगे, ये आपको प्लस टू की मॉडर्न में दिखेंगे। और लाइन लगी पड़ी है ऐसे कम से कम 200 क्वेश्चंस की, कम से कम 150-200 क्वेश्चन इस कैटेगरी का मिलेगा। इसी को तो बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो जो केमिस्ट्री का ओवरलैपिंग सिलेबस फिजिक्स में करवाया जाता है वो यही है, ऐसा ही है। न्यूक्लियस का टूटना, उसकी वेलोसिटी निकालना, यही कुछ किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो ये प्लस टू का पार्ट है, पर एक क्वेश्चन यहाँ आ गया तो मैंने सॉल्व कर दिया। इसमें मैं इस क्वेश्चन को मैं कर तो लाया हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है मुझे अभी करना चाहिए, क्योंकि डी ब्रॉगली की केमिस्ट्री की क्वेश्चन लगनी स्टार्ट हो गई, फोटोन्स की थ्योरी लगनी स्टार्ट हो गई। पी इज इक्वल टू ई बाई सी, सुना हुआ है आप लोगों ने? ये सुना हुआ है फिर तो बता देता हूँ, अगर सुना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो मेरी तरफ से ये क्लोज है। तुम नहीं ना भी चाहो तो क्रॉस मार दो, मतलब मेरे को दोबारा असाइनमेंट बनने का चांस दोगे मैं इसको हटा दूंगा। लेकिन अब डल गया तो मैं करके बता देता हूँ, वो भी उन लोगों के लिए जिन्होंने ये थ्योरी कर रखी है। तो इसके लिए वो कह रहा है न्यूक्लियस है आयरन का, एमिट्स गामा रे ऑफ एनर्जी गिवन। अब मुझे ऐसा लगा इस क्वेश्चन के अंदर भी एक न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियस में टूट रहा है, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। तो इसका मतलब कि जब कोई गामा पार्टिकल निकलता है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि न्यूक्लियस टूटे, वो ऐसा भी हो सकता है एक्साइटेड स्टेट में था और ग्राउंड स्टेट में आने के चक्कर में उसने गामा को बाहर निकाल दिया। और गामा पार्टिकल कैसे निकलते हैं? उसके फोटोन निकलते हैं, लाइट के फोटोन होते हैं, गामा के भी फोटोन निकलते हैं, तो गामा का फोटोन निकल गया। गामा की एनर्जी पता है फोटोन की इतनी है, रहेगा ये सेम न्यूक्लियस 57 का, चेंज नहीं हुआ, छोटा न्यूक्लियस ही निकला, बस गामा निकला, ठीक है। ऐसा कुछ हुआ, क्वेश्चन में क्या निकालना है? रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। अब वही बात, ये फट गया, फटा तो नहीं, एक्साइट से नीचे गिर गया ऐसे बोल देंगे, तो ये खुद इधर चला गया और ये राइट और लेफ्ट जाएंगे, क्योंकि जैसे ही कोई वो बुलेट निकालता है गन पीछे हो जाती है, सेम केस है। इस आयरन ने अगर गामा निकाला, ये खुद पीछे हो गया, रिक्वायर्ड एनर्जी, थोड़ा झटका लगेगा इसे। तो कह रहा है इसकी एनर्जी निकाल दो। अब देखो इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लग नहीं रहा, क्योंकि इसके अंदर प्रॉब्लम ये है। पहली बात तो आपको गामा जो, पहली बात तो इसमें केमिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है जिसको डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस बोलते हैं, शायद आपने केमिस्ट्री में सुना हो, जो क्या कहता है मोमेंटम ऑफ फोटोन। देखो जो फोटोन्स होते हैं वो आपको पता है कि उसका जो जो मास है उसका कंसिडर करते नहीं है, उसके ऊपर काइनेमेटिक्स की इक्वेशन तो लगती नहीं है। तो डी ब्रॉगली ने इक्वेशन बताई थी मोमेंटम निकालने की, एनर्जी बाय सी, सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट। इसकी एनर्जी पता है, इसकी एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, किलो का मतलब 10 की पावर 3, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 × 10 की पावर −19 से मल्टीप्लाई करके जूल्स में कन्वर्ट करके पहले इसका मोमेंटम निकाल लिया। तो पहले हमने अल्फा, इसका जो गामा निकला उसका मोमेंटम निकाल लिया। मोमेंटम तो कांस्टेंट होगा ही होगा, जो मोमेंटम गामा का होगा वही मोमेंटम आयरन का होगा, क्योंकि एम वन वी वन एम टू वी टू बी वन इक्वल टू पी, तो मैग्नीट्यूड आयरन का भी सेम है, अपने को आयरन की एनर्जी निकालनी है। तो आयरन की एनर्जी निकालने के लिए पी स्क्वायर बाय 2m का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, और इसके अंदर पी जो यूज़ किया वो क्या यूज़ किया, वही गामा का यूज़ कर लिया। तो वहाँ से यूज़ करके काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल ली। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया एक्चुअली, ये तो बिल्कुल ही प्लस टू का क्वेश्चन है, प्लस टू के अंदर ऐसी कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है। अभी इस क्वेश्चन को क्रॉस कर दें, छोड़ दें, नहीं करना, ज़रूरत नहीं है इसको। डल गया तो मैंने बता दिया रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने डालता हुआ देखा नहीं कि मेरे से डल गया, मुझे पता होता मैं ना डालता, ठीक, आपको नहीं आएगा अभी ये,